सिवनी में किसान आक्रोश आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पांडे का कहना है कि कमलनाथ सरकार बिना सर्वे के केंद्र सरकार से पैसा चाहती है, वहीं बिजली के बड़े दामों से भी आज किसान परेशान है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है लगभग 10 माह पुरानी कमलनाथ सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने का भाजपा और उससे जुड़े संगठन कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में युवा मोर्चा ने सिवनी में कलेक्ट्रेट का घेराव और प्रदर्शन किया। यहां बड़ी संख्या में मौजूद मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया और केंद्र की मोदी सरकार का बचाव किया। मोर्चे का मानना है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसान आक्रोश आंदोलन के नाम से मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान आक्रोश आंदोलन के नाम पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की निकम्मी नकारा अंधी लूली और लंगड़ी सरकार जो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल और छलावा कर रही है, हर प्रकार की फसलें जो नुकसान की तरफ बढ़ रही हैं, जिस तरह से अतिवृष्टि के बाद किसान आत्महत्या करने के लिए जिस तरह से आत्महत्या का दर बढ़ रहा है, उस तरह से किसानों को मुआवजा ना देना, 2 लाख रुपए की कर्ज माफी में किसी भी किसान का कर्ज माफ ना होना, किसानों के साथ किसी भी फसल का सर्वे ना कर केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाना, इन सारे विषयों को लेकर किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बिजली के बिल लगातार 2 से 10 गुने हो चुके हैं और उसका भी हम बिजली बिल जलाकर कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान हित पर जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी, हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, सिवनी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।